देखिए फ्रेंड्स, आज मम्मी आप सभी को कद्दू का सब्जी बनाना बताएंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मम्मा ने मार्केट से बहुत अच्छा ही कद्दू मंगाई है, एकदम खींचा कद्दू है। देखिए अब इसे मम्मा छीलेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मम्मा अच्छे से कद्दू को छील लेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मा इस तरीके से कद्दू को अच्छे से काट ली है धोकर पतला पतला। और ये गोलकी पाउडर है, ये लहसुन पेस्ट, हल्दी नमक, छौंक के लिए सरसों और हरा मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गया है, मम्मा सरसों तेल डाल रही हैं। तेल गर्म हो जाएगा, मम्मा छौंक लगाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया, मम्मा सरसों और मिर्चा का छौंक लगा रही है। फिर लहसुन का पेस्ट भी मम्मा डाल दे रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से छौंक कड़क जाएगा। उसके बाद मम्मा जो कद्दू काट कर रखी थी उसे डालेंगी। हल्दी नमक को भी डाल दिए। मम्मा अच्छे से मिला देगी, ढक कर फिर से छोड़ देंगी। ये देखिए फिर मम्मा अच्छे से मिला दी है और इसे ढक दी है। ये पक जाएगा, उसके बाद मम्मा फिर से मसाले जो रखी है उसे डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मम्मा कद्दू को अच्छे से सिझा दे रही है। पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि तो कद्दू पानी खुद ही छोड़ता है। पानी अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद मम्मा गैस को बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कद्दू का सब्जी बनकर तैयार है। पानी पूरा सूख गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से सीज गया है। और इसमें मम्मा थोड़ा सा गोलकी पाउडर को डाल दे रही है और ये धनिया पत्ते को सभी को मिला देना है अच्छे से और गैस को हमें बंद कर देना है। हमारा यम्मी सा सब्जी तैयार है, बहुत ही फायदेमंद सब्जी है ये।